नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने पीड़ित पट्टीदार को ही बैठाया थाने। पीड़ित पट्टीधारकों को थाने में बैठा पुलिस ने किया था 151 में चालान। इस घटना से पट्टीधारकों सहित गांव में तनाव की स्थिति व्याप्त। दर्जनों पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रहे बेघर पट्टीधारकों का दर्जनों परिवार। काफी समय पहले दर्जनों बेघर पीड़ित परिवारों को मिला था पट्टी की जमीन। सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवखली गाँव में बीते कुछ दिनों पहले चला दी गयी थी पट्टीधारकों की झोपड़ी। हमारा राम नारायण नाम है साहब, गांव देवकली है साहब। हम मड़ई लगा कोई रहत नहीं साहब। शाम सुनर मड़ई जरा उनका लड़का मिल के चारों मड़ई हमारे जरा दिल सा। हमारे के पैसा दे के हमारे के पुलिस से जेल भेजवा दिल सा। शाम सुनर बरियाई कह रहे हैं दबंग है आदमी साहब, बरियाई कह रहे हैं हमारा है जमीन। यही तो बोल रहे हैं साहब, देखिए हमारा साहब पाटा जमीन थी तो आप कैसे रह रहे थे उसमें? उसकी का हमारे पास पाटा है साहब, हम पाटा पर रह रहे हैं। 81 में पाटा हुआ था साहब। कागज पत्र है क्या साहब? देखिए पाटा है मेरे पास, पत्रावली है। अच्छा, काम साहब कल ही से डर हो गया पुलिस से ना सर, इसलिए काम। हाँ काम। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं देवकली तहसील बलिया के निवासी हैं। सर यहाँ 82 में हम लोगों को पट्टा मिला है 45 लोगों को। यहाँ से गाँव सभा से 52 लोगों को भेजा गया, जिसमें 45 लोगों को उस समय SDM साहब ने पास कर दिया। और वो 45 लोगों को यहाँ पर लेखपाल वगैरह सब ला करके वहाँ पर उस ज़मीन को नापी करा करके कब्जा भी कराए। कब्जा कराने के बाद एक व्यक्ति उसमें मुकदमा कर दिया कि हमारा मोरिस के ज़माने से है। तब हम लोग भी उसमें पार्टी बन गए कि भाई नहीं, हम लोगों का पट्टा है। लेकिन उसका मुकदमा खारिज हो गया। जब उसका खारिज हो गया तो फिर हम लोगों का पट्टा हो जाना चाहिए। अब चूंकि हम लोग को ये नकल मिली है, इस नकल का हम लोग चूंकि जिस समय पट्टा मिला उसका नकल हम लोग ले लिए SDM कार्यालय से। और फिर जब हम लोग उस नकल को मांगने के लिए SDM कार्यालय पर जाते हैं तो फिर ये लोग SDM कार्यालय के लोग ये बताते हैं कि मेरे यहाँ ये पत्रावली उपलब्ध नहीं है। तब जाकर के इसमें जो व्यक्ति जो मुकदमा में हारा है वह व्यक्ति पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद तुरंत पुलिस आई, और आने के बाद उन लोगों के देखरेख में जिसमें SDM साहब भी आए थे, हम लोग हमारे पट्टेदारों की झोपड़ी जलाई गई और कुछ झोपड़ियां जो थी उसको उठवा करके चौकी पर भेजवाया गया। अब चौकी पर भेजवाया गया तब SDM साहब ने कहा इसको सरकारी जमीन हड़पने के मामले में इनको इनके ऊपर चालान कीजिए। तो मैं चूँकि कहा कि मैं पट्टेदार हूँ और मुझको पट्टा मिली है जिसका नकल आपके कार्यालय से मिला है, ये हमारा नकल आप देख लीजिए कि आपका कार्यालय का है कि नहीं है। तो वो कहे कि कुछ नहीं, ये इसको ले चलो और भूम हड़पने की सरकारी जमीन हड़पने के मामले में इसके ऊपर मुकदमा करो। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर थाने सुखपुरा में जब गए तो हम लोगों को वहाँ पर 151 में चालान करके हम लोगों को भेज दिए। जबकि हम लोग एक रात रखे भी, और एक रात रखने के बाद हम लोगों को दूसरे दिन भेजे, तब जा करके 151 में हम लोगों का यहाँ पर अपना जमानत करा करके आए हैं साहब। यही घटना है, और आप लोगों से और जिला प्रशासन से मेरा ये गुहार है, ये हमारे सारे पट्टेदारों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, ये सारे पट्टेदार हैं, हम लोग अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों की पत्रावली खोजी जाए, हम लोगों की पत्रावली को वैध माना जाए और हम लोगों को पुनः जमीन को मैंने हम लोगों को दिया जाए। मेरा नाम सच्चिदानंद राय, ग्राम सभा देवकली, वर्तमान प्रधान हूँ मैं। सर देखिए, वो किसी की जमीन नहीं है, जो भी कह रहा है कि हमारी जमीन है तो ये गलत बोल रहा है। वो गांव सभा की जमीन है, और गांव सभा के लोग गांव सभा के द्वारा ही बहुत पहले 81-82 में उस पर पट्टा किया गया कुछ लोगों को, और पट्टे के समय कुछ लोग जो काबिज हो गए वो तो लोग हैं अभी भी। और जो कह रहा है कि नहीं सारी ज़मीन हमारी है, वो उस समय काबिज हो गया, अपनी मकान बना लिया, पक्की मकान बना के वो रहते हैं वो। और बाकी लोग जो कुछ काबिज नहीं हो पाए तो ये लोग अपने काबिज करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी वहाँ पर काबिज हो जाएँ, हम भी रहें। अब इन लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीन है, हमको पट्टा मिला है, ये लोग अपना काबिज करना चाहते थे, ये लोग जाकर अपनी मड़ी झोपड़ी लगा कर रहते भी थे वहाँ पे। उस दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ किसी बात को लेके, और उसी में एक आदमी की मड़ी फूंक दी गई, मड़ी जल गई, ताकि प्रशासन उसके बाद प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद माननीय SDM साहब आए, SDM साहब आ रहे हैं तो ये लोग अपना जो पेपर दिखाएं तो SDM साहब कह दिए कि नहीं ये सही नहीं है। तब वो सही है कि गलत है तो जाँच का विषय है, उस पर तो जाँच होगी। बाकी अपने अफसर से हम यही चाहेंगे कि अगर सही है इन लोगों को पट्टा हुआ है तो ये लोग भाई काबिज हो जाए, इन लोगों को शासन प्रशासन इन लोगों का कब्जा दिलवा दे, ये लोग अपना रहें। देखिए, ग्रामीणों को जो पट्टा मिला है तो वो तो सही है, उस समय मिला था,
जो सच्चाई की जो बात है, तो सच्चाई के लिए हमको जहाँ जाना होगा जाएंगे हम, जिससे भी मतलब जिससे बात करनी होगी जहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए जाएगा आदमी। जितने भी बेघर लोग हैं, मैं प्रयास अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ कि उनको भाई उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, कि वो लोग अपना मड़ई झोपड़ी चाहे जो भी होता है बना के रहें।